अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और आज हम बनाने जा रहे हैं अपना न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में एक दोस्त से काफ़ी अच्छे डीट पेंडिंग थी 2 महीने से, तो आज हमने उसे पकड़ लिए, तो आज उससे खाना खाएंगे। और ये हैं जी हमारे दोस्त, जिनसे हमने ट्रीट किया। माजिद भाई, कितने अरसे से हम इनके पीछे पड़े हुए थे? ये सैफ भाई हमारे दोस्त हैं, ये आज हमें दावत खिला रहे हैं। अच्छा, 1 साल हो गया हम इसके पीछे भाग रहे हैं। दावत खाने का वो आज दिन आ गया है, इंशाल्लाह खूब एंजॉय करेंगे। इसे कढ़ाई खा रहे हैं देसी मुर्गी की। अच्छा, और इसने पूरे 1000 रुपए का कुकड़ लिया है। तो हमने कैसे निकलवाया इनसे? पकड़ पकड़ के इसके पीछे भाग भाग के हमने 1000 रुपए का तेल फाड़ा है। बड़ी मुश्किल से मसे साथ रहते आए, तो इंशाल्लाह आज इसको खाने पाया। आज वो कुछ नसीब देना है जब इसको कुकड़ी खाने पाया। ये जी हम इनके पीछे काफ़ी अच्छे से पड़े हुए थे, ज़बरदस्ती उस दिन हमने इनकी जेब से निकलवाए हैं पैसे। और आज ये माशाल्लाह बहुत ही कंजूस आदमी है। 2 साल हो गए इसके पीछे भाग भाग के हमारे पैर टूटे हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाते हैं जहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा है। हाँ मन मन, ये जी सैफुल्ला भाई हैं, ये तैयार आज हमारे कोक हैं, तैयार खा रहे हैं खाना। और ये शायर भी हैं सैफुल्ला भाई, आज हमें कुछ शायरी भी सुनाएंगे आप? जी ज़रूर। और इन कुकड़ों का बड़ा शौक है, आज कुकड़ पका भी रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको इधर गाँव का व्यू दिखाते हैं। माजिद भाई, ये मकई की फसल है ना? जी हाँ, मकई है। साथ ये ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। ये जो मकई की फसल है, ये जी खाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी पहले पानी डाल रहे हैं इसमें। बोला भाई कुछ शेर ही सुना दें। भुखे राजी पौन तो भुखे रांदेन, गल बात बदल नहीं वेंदी, नवे कपड़े पा के शोदियां दी औकात बदल नहीं वेंदी, पहली ठगियां करण तो दुख लगता है, कैनात बदल नहीं वेंदी, पट्टा सोने दा कुत्ते दे गल पाइए ओदी जात बदल नहीं वेंदी। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका जरा तर्जुमा भी कर दें, मतलब क्या इसका? जो आदमी गरीब होता है जिस तरह के, और वो कुछ पैसे उसके पास आ भी जाएं तो वो अपनी औकात नहीं बदलता। सही, ये एक मिसाल दिया है दौड़ की। भाई क्या डालने लगे इसमें? इसमें आप जनाब टमाटर और हरी मिर्च डाल रहे हैं। नरम हो गए बहुत, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ये भी इनके साथ जब नरम हो जाएंगे डाल जाएंगे तो फिर इसमें मसाले डाले जाएंगे।
धूला भाई कहाँ तक पहुँची है कढ़ाई? जनाब इसमें अभी पानी सिर्फ डाला गया है। अच्छा, देसी मुर्ग में और प्याज। अच्छा, थोड़ी देर तक ये गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। मेरा नरम हो जाएंगे, जब इसका गोश्त बिल्कुल नरम हो जाएगा तो फिर इसमें और मसाले डालकर थोड़ा ये खुश भी और किया जाएगा इसको। ठीक, अभी आधा घंटा तो और लग जाएगा, 40 मिनट तकरीबन, इसमें 15-20 मिनट और लगेंगे। माजिद भाई तैयार हो गई है, आप भी तैयार हैं खाने के लिए? मूछें आपने बड़ी रखी हुई है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हाँ सही है। जी जी हमारी तैयारी हो रही है, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं साथ, माजिद भाई भी बैठे हुए हैं। और आज माजिद भाई का गला खराब हो गया, रात से खराब है ना, रात से गला, इसलिए आज खाएंगे नहीं, बस हमारे कंपनी देने साथ आए हमारे। जी जी वैसे आए हैं, खाएंगे तो नहीं ना, हम कल बहुत खाए। माजिद भाई सब बन नहीं हो रहा, इन्होंने कहा पहले हलवा गरम करते हैं, वो भी साथ खाते हैं। बड़ा अच्छा है, भाई गरम हो गए। हाँ खाना भी तैयार हो रहा है। कल माजिद भाई सुबह से शुरू हुए, पहले इन्होंने 5 प्याले सेवइयों के खाए हैं, फिर माजिद भाई पुलाव खाया था ना, पुलाव खाया था, मुर्गी खाई थी, पुलाव खाई थी, फिर देसी मुर्गी खाई थी। फिर भी इसके 4 फोल्डर बाकी हैं जो ये फोल्ड करेगा। हो गया गरम, प्लेट गरम है, हलवा नहीं गरम है, हलवा गरम है। ये इनका गला खराब है इसलिए घी वाला हलवा खा रहे हैं। गले को दिया ठीक करे जी। मान के की दिन सारे बच्चे रखो ना, थाली रखो ते वाले ना तीन में तेरे पास रखो चाहिए, तेरे को बड़ा इंतजार हेलो ठीक था मुर्गा हाई पुराड़ा हो काम के लोग मिला था ना मिला था ना हाँ।